फ्रीडम फ्रीडम रेडियो सीरी नाइटी गुड मॉर्निंग आज रोमियो फ्रीडम से बात करने आए हैं अपने फैंस जो है उनके जो उनसे मांग करते गाने के लिए लेट मी लव यू यस इज द न्यू शॉर्ट म्यूजिकल फिल्म विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो म्यूजिक वीडियो से अलग है या क्या है विल टॉक अबाउट दैट बट मैं जो बात कर रहा था कि देर इज अ आई फील की एक छोटा सा डिवाइड आ गया है न्यू एज सिंगर्स दैट हैव गुड सॉन्ग्स मैसिइंग और जो थोड़े से एक जनरेशन पहले के सिंगर है yeah. 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 वो नई फैन उनको भूल चुके हैं हमारे साथ भी ऐसे ही होता है mm -hmm. हमारे जो बीस साल पहले जो कसौटीज और क्योंकि हम कर रहे थे आज वो लोग भूल चुके हमें yeah. तो एक नई फैन फॉलोइंग आती है कई बार थोड़ा सा वो भी फील होता है नहीं आई डों में I feel like uh, as new age artists also we have massive respect for artists who have been before us right. also. तो so, आपके favorite so, जो आपने बचपन में जो सुने थे जिनको आप बहुत पसंद करते थे वो कौन थे? My favorite was KK. Yeah. KK K sir him. was my favorite. I think उनके the combination of Imran Ashmi and KK K की voice was मेरे लिए till date. Wow. Yeah. यार yeah, I think you know unfortunately या yeah, fortunately जो हैं

शायद चल हाँ। you know, like I know that अब मेरे को फील आ रही है जब वो जो जो फीडबैक मैं रहा था वो आ रही है। हाँ। वो आपके साथ कब हुआ? I think, uh, in the beginning, जब मैं नहीं कर रहा था फर्स्ट सॉन्ग फित जस्ट मैंने दिल से बनाया था एंड इट द प्लान वॉज रिलीज सॉन्ग ऐसा कुछ नहीं था अच्छा।

आई फील माई फीमेल फैन फॉलोइंग जस्ट मेरे पिक्चर्स ऐसा नहीं आई यू नो आई थिंक इवेंचुअली स्पीकिंग जो तुम्हारा सुपर नोवा होगा सुनामी होगा yeah. वो जब एटलीस्ट सिक्सटी फोर्टी रेशियो आ जाएगा वो फील हो जाएगा बिकॉज लड़कियां आई थिंक रिपीट ज्यादा सुनती है हाँ. शायद मुझे ऐसा लगता hmm. है बट उट इटेंट लड़कों को नजरअाज नहीं करना, कर नहीं करना है। एक आशिकी के जो गाने बहुत फेमस हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि जो एग्जैक्टली वो ज्यादा रो रहे थे और हार्ट ब्रेक लड़कों का ज्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है लोग बोलते हैं ना कि दे मूव ऑन फास्ट नहीं यार बिकॉज लड़के को देर आर हंड्रेड गाइज टू वन गर्ल इतना टैंकू लगा दिया जब तुम मे मिलाने वाले थे रोमियो मेरे साथ आज स्टूडियो में जिसका नाम ही रोमियो हो वो ऑब्वियसली बात है जब लेटमी लव की बात करेगा तो सब कुछ फिट ही हो जाता है लेकिन

Okay. शाहरुख तो सर, सर का is... सबसे फन वाला गाना जो एकदम पागल वाला गाना हाँ. तुम्हें कौन सा पसंद आता था बचपन में ये दिल दीवाना दैट सॉन्ग हैज माय जैम बाल उड़ रहे हो और आप सीधा वैसे ही उड़ जाएंगे <laughs> exactly, so, हाँ. so, शाहरुख खान को दिमाग में रखते हुए थोड़ा नटकटा शाहरुख खान देन यू ये

मुझे देख करके अच्छा ये ऐसा है बट क्या अभी टीम आई डोट स्पेंड उतना टाइम माई फ्रेंड्स नो मी बेटर माई पीपल नो बी बेटर सो आई राइट ना वट आई वॉन्ट इज माई माई ऑडियंस शुड नो रियल रोमियो कॉन है Hmm. instead of just playing characters abhi i'm planning to remove um, i have an ep coming one album coming this year one more album coming this year which is going to be very different to what i have so done so let me love is the last chap of purana romeo purana romeo yeah oh ye yeah. tumhare jo fans <laughs> hai pata nahi khush honge ki nahi isse lekin yeah it's i feel like uh, my fans are more attached to my hair more than me <laughs> i i swear i swear from sir meko itni galiyan padti thi

दो हफ्ते की बात है हम हाँ पर दो हफ्ते के कमेंट सुनने पड़ते हैं <laughs> दे, दे, like दे, दे 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 एक्चुअली गाइस टेलिंग मी एक एक स्पेशली तो दिस वन अंकल हुज प्रोबब्ली इन हिज 40s 50s उसमें एंड देन ही ही शिद्दत ही टेल्स मी कि आप ना ऐसे लंबे बाल मत रखा करो बहुत अजीब लगता है <laughs> एंड हर हर दिन हिल कमेंट के ऐसा नहीं ऐसा करो आपको ये लोग अच्छा लग रहा है ओह मैन आई रीडेड आई सेड थैंक यू सो मच क्रिपी आल्सो यार तो ये थोड़ा ये क्रिपी टाइप के डीएम्स क्रिपी वाले डीएम्स आते बहुत सारे बहुत बहुत सबसे क्रिपीएस डीएम कौन सा है और सबसे वाव आई लाइक दिस वन वो वाले सबसे आई थिंक सबसे स्वीट वास कनेक्टेड एफएम ओनली अच्छा आई थिंक अ इयर अगो सम

कि मैं कहाँ पर हूँ मैं क्या कपड़े पहन कर हूँ एंड मैं क्या कर रहा हूँ एंड देव लिटली अ वीडियो एंड एयरपोर्ट पे एंड मेरे को भेजा गया है वो वीडियो सेइंग कि आई कैन सी यू आई एम फॉलोइंग यू आई वाज लाइक ना नाउ दिस गाय वाज फॉलोइंग मी फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट

You've got a big team that is making tracks for you या फिर आप सब कुछ को दी सब कुछ को दी wow that's so अभी only with let me love album I had help with uh, am tura sir mm. who's work for bansali sir तो mm. and I was working with a lot of other lyricists mm. but personally I like to write my own songs because mm. I feel like I'm very simple that way, so I can put. हाँ, I guess वो आपकी खुद की feel है, आप खुद बनाना चाहते हो. And I compose खुद से, so aur, it wah. feels like a खुद का package कि I can compose, I can sing. And I think it's not dependent on others also, ना yeah. कि आपको जब एक feel आ गई, hmm. आपने बना दिया गाना और हो गया. Yeah, exactly, हाँ. So superb. so good luck, यार. I'm waiting to see the new version of you. I'm waiting to see the comments that come out also. Yeah. When this video also comes out, when we tag you and say, भाई इसका ये आखरी अवतार of Romeo, पुराना अवतार, it'll be fun yes. to see that. Thank you for Thank us. you so much, Arun. सिटी रग रग में दौड़े सिटी